खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उस्मान मिर्जा गैंग के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। पुलिस ने गैंग का पांचवां कारिंदा बिलाल मरवत भी गिरफ्तार कर लिया है। मुतासरा लड़की से 13 लाख भत्ता वसूली के इंकशाफ ने तफ्तीश को नया मोड़ दे दिया है। उस्मान मिर्जा क्रिमिनल बैकग्राउंड का हामिल निकला। पुलिस ने मामले पर माहिरीन कानून से मुशावरत शुरू कर दी। उस्मान मिर्जा गैंग पर पकड़ मजीद सख्त। गैंग का पांचवां कारिंदा भी पकड़ लिया गया। ब्लैकमेलर और भत्ताखोर टोले के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। मुतासरा लड़की से 13 लाख भत्ता वसूल करने के इंकशाफ ने तफ्तीश को नया मोड़ दे दिया। सराय का कहना है कि भत्ते की रकम वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके हत्याई गई। उस्मान मिर्जा और इसके 3 चेले पहले ही जिस्मानी रिमांड पर हैं। सराय के मुताबिक मुलजिम उस्मान क्रिमिनल बैकग्राउंड रखता है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने मुकदमे में भत्ताखोरी की दिफात के लिए लीगल ब्रांच से मुशावरा शुरू कर दी। वजारत कानून के माहरीन भी मामले में पुलिस हुकाम की मुआवनत करेंगे। वजीर आजम ने भी गैंग को निशान इबरत बनाने की हिदायत कर दी। इमरान खान ने आईजी इस्लामाबाद को तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया।